हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी। दिस साइड ऋषभ। आज का जो वीडियो है एकदम ऐतिहासिक वीडियो है, क्योंकि आज हम आए भी एक ऐतिहासिक जगह पे हैं। बिल्कुल, तो शायद आप गेस कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज हम आए एनआरके, द बिगेस्ट मांझा मेकर इन द वर्ल्ड। एनआरके मतलब नबी रजा खान। ये हमारे आशु भाई हैं और ये हमारे आमिर भाई हैं, यही दोनों लोग देखते हैं सारा जितना भी काम हो रहा है। और एकदम सुबह सुबह हम आ गए हैं इनके अड्डे पे, और पीछे देख सकते हैं केवल एक ही जगह अभी काम हो रहा है। अभी बाकी जो कारीगर हैं वो भी आएंगे और धीमे धीमे से काम स्टार्ट होगा। देख सकते हैं कि इतनी सुबह भी हम आए हैं, उसके बाद भी दोनों भाई लोग हमको अड्डे पे मिले, एकदम प्रॉपर ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी। और ये बात तो रही सुबह सुबह आने की, अब चलते हैं जो थोड़ा सा मांझा लगा हुआ है उसकी क्वालिटी दिखाते हैं। तो आशु भाई, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि इस टाइम पे आप कौन सी धागे यूज कर रहे हैं, या कौन से ब्लॉक्स बन रहे हैं, या कौन से ब्लॉक की ज्यादा डिमांड आ रही है? हमें तो पता है, वैसे पब्लिक को बता दे थोड़ा सा। अभी तो आपको मैं दिखाता हूँ ब्लैक कमांडो जो जी तैयार होता है, सारे जानते हैं। और उसके बाद जो है व्हाइट गोल्ड है अपना, डबल गुलाब है जी, सारे अपने पास नंबर एक के जो है तैयार होते हैं, सारे 1-2-3 पे होते हैं जी। जी, आपको ब्लैक कमांडो दिखाता हूँ। चलिए आइए, आपको ब्लैक कमांडो दिखाते हैं। हमको दिख रहा है बहुत शानदार कलर में भी है ब्लैक कमांडो। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में घास भी एकदम ग्रीन, और सेम वही ग्रीन कलर है ये भी। अब आपको समझ में आ जाएगी क्वालिटी किस हिसाब की है। और चरखा दिखाते हैं। चलिए, ये दिखा दी थोड़ी सी आपको क्वालिटी हमने, और अब चरखा दिखाते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर में चरखा लग रहा है, ये देखिए बहुत शानदार क्वालिटी है। थोड़ा सा पास से दिखाएंगे, इतना खूबसूरत कलर है यार। हाँ, पैरेट ग्रीन है। चरखा भी देख सकते हैं, और है ना ब्लैक कमांडो में तो आपको यही चरखा मिलता है, तो नकाशी वाला चरखा। ये देखिए ब्लैक कमांडो लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर। ये रहा ब्लैक कमांडो। तो ब्लैक कमांडो प्रिपेयर हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और बहुत शानदार एकदम बहुत अच्छा पैटर्न की डोर बनाई है। तो आशु भाई, जैसे कि ये ब्लैक कमांडो था, और पीछे कौन सी डोर तैयार करी जा रही है? नंबर एक का 9 कॉर्ड 9 स्टार। तो जैसे कि ये आपका 1-2-3 में टॉप की क्वालिटी हो गया ब्लैक कमांडो, तो वो भी शायद से 9 कॉर्ड 9 स्टार पांडा में टॉप की क्वालिटी है। अच्छा अच्छा, तो चलिए उधर की तरफ चलते हैं और उधर भी देखते हैं क्या क्वालिटी बन रही है। चलिए इसकी थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं। आशु भाई, थोड़ी क्वालिटी दिखाइए। ये हो गई पांडा 9 कॉर्ड 9 स्टार की क्वालिटी, बहुत शानदार मांझा है, और कलर भी बहुत शानदार है जो अभी सीजन आने वाला है उसके हिसाब से बहुत ही शानदार मांझा है ये भी। और हमने आपको केवल दो ब्लॉग्स दिखाए, एनआरके का ब्लैक कमांडो और 9 कॉर्ड 9 स्टार दिखाया, और जो बाकी का प्रिपेयर हो चुका है वो लेके चलते हैं आपको उनके घर पे, और बाकी ज्यादा सारा स्टॉक वहां से आपको दिखाते हैं। गेट खोलते हैं। ये है एनआरके का गोडाउन, और यहीं पे बैठते हैं और बाकी जो मांझे की क्वालिटीज है वो आपको दिखाते हैं। काफी सारी चरखियां भी रखी हुई है, ये देखिए सारे जितने भी ये सब कार्टन वगैरह रखते हैं चरखियां ही। हाँ, सारे में चरखियां हैं ये। कोई 6 रील की है, कोई 3 रील की है, कोई ये कई रील की चरखियां है, ये 4 रील की पांडे, 4 रील पांडे। कितनी खूबसूरत चरखियां है आपको ये। और इस पे देखिए, इस पे एक ब्लॉग मैंने नया निकलवाया इनका, ये देख सकते हैं आप, एनआरके प्रेजेंट 24,000 वाट। तो इस पर जैसे कि आप देख रहे हैं एक टावर नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये नया ब्लॉक आने वाला, चरखी इसकी रेडी होकर आ गई है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश होगी कि आपको बहुत पसंद आएगा ये ब्लॉक। जैसे कि सारे ब्लॉकों को आप प्यार देते हैं, इनके इस ब्लॉक को भी आप उतना ही प्यार देंगे, और कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएं। तो चलिए दोस्तों, अंदर लेके चलते हैं आपको। तो फाइनली अभी हम अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं गोडाउन में, जबकि यहाँ पर भी अभी पूरा माल लगा रहता है, अभी थोड़ा सा कुछ स्टॉक आज गया है यहाँ से। और चलिए आपको सारी क्वालिटियाँ चेक करवाते हैं। वही आशु भाई, दिखाइए कौन कौन से मांझे समय पे अवेलेबल है, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? ग्रीन लेवल जो आप बेचते ही हैं। तो ये दोस्तों ग्रीन रैपर है, ये 4 कॉर्ड पांडा है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है ग्रीन रैपर से, जो कि 4 कॉर्ड है, और क्वालिटी इसका रिव्यू सब आप जानते हैं। अगर किसी ने रिव्यू नहीं देखा हो तो ऊपर आपको आई बटन में इसका रिव्यू मिल जाएगा, आप जाके पूरा रिव्यू देख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया इनका ग्रीन रैपर, और ये 6 रील की चरखी है, 4 कॉर्ड 6 रील मांझा, और आप देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, 6 रील। ये देखिए एनआरके प्रोडक्ट, और उसके बाद जैसे कि मैं आपको लगातार दिखाता रहता हूँ वाइट गोल्ड, ये देखिए आप, ये आपको गन पे मिल जाएगा, आपको रॉकेट पे चाहिए तो मिल जाएगा, अगर आपको ये 1-2-3 पे चाहिए तो भी मिल जाएगा। क्वालिटी सब जानते हैं, और इस समय पर काफ़ी ट्रेंडिंग ब्लॉक है,
और मैं कहूँगा आशु भाई इसका एक बार रैपर हटाइए, कलर दिखाइए, क्योंकि इसमें कलर जो है वो बहुत स्पेशल बनाते हैं आशु भाई, एक से बढ़कर एक कलर बनते हैं। देखिए कितना शानदार कलर निकल के आया, ब्लू कलर है ये, क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी, देखिए कितनी शानदार क्वालिटी है मांझे की। देखिए बल दिख रहे हैं, एक एक बल नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखिए, ये एक ब्लॉक आपके सामने और आ गया है। ब्लैक बेल्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, एकदम फाइटर टाइप का ये, जैसे कि आप देख रहे हैं आमिर भाई इसमें कितने स्मार्ट लग रहे हैं। और ये देखिए ये ब्लैक बेल्ट है, इसको भी ओपन करना चाहेंगे एक बार। ये देखिए क्वालिटी देखिए कितनी शानदार है दोस्तों, तो ये क्वालिटी है ब्लैक बेल्ट में। इसमें आपको 1-2-3 भी मिल जाएगा और गन भी मिल जाएगा, और 6 रील एंड 12 रील दोनों ही मिल जाएगा। अभी आपने देखा मैंने एक ब्लॉक लॉन्च किया था, अभी उस पर काम चल रहा है, और एक ये है बॉन्ड 007 टेरिस किंग, जैसे कि टेरिस चैंपियन आता है एक ब्लॉक, मेरा एक ब्लॉक आता है टेरिस फाइटर, एक टेरिस जंगबाज, ये टेरिस किंग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेरिस मांझा लगेगा, जो कि जैसे कि आपके 8400 हो गया, 8800 हो गया, इस टाइप के आर्टिकल इस पर लगेंगे। तो अभी इस पर तैयारी चल रही है, आने वाले टाइम पे ये आपको बहुत जल्द मिलने वाला है दोस्तों। तो ये देखिए ब्लॉक कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कॉमेंट्स में कैसा लगा। और अभी उसका 24,000 वाट का रैपर छपा नहीं है, उस पर काम चल रहा है, जिस दिन उसका रैपर कम्प्लीट हो गया तो वो भी ब्लॉक आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तो और कुछ दिखाइए आशु भाई, बहुत कुछ लगा हुआ यहाँ पर, और देख सकते हैं आप लोग कितना स्टॉक लगा हुआ है, ये कितना सारा स्टॉक यहाँ पर पैक हो चुका है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए सब 40-40, 50-50 दर्जन के सब कार्टन है। ये देखिए ये सारा जो स्टॉक है यहाँ से निकल कर ये सारा का सारा कार्टन में चला गया, क्योंकि ऑर्डर्स लगे हुए हैं जी। व्हाइट गोल्ड में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की मेरे पास कॉल आती है कि हमारा व्हाइट गोल्ड जो है 4 तार पर है, तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये ओनली 6 तार पर ही बनता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने पहले क्लियर कर, मेरे पास कॉल करते हैं पूछते हैं कि भाई आपका 4 तार पे, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये ओनली 6 कोट पे है। ये जो आपका व्हाइट गोल्ड है ये सिर्फ आपको 6 कॉर्ड पे मिलेगा, 6 कॉर्ड में अगर 1-2-3 आता है तो मिल जाएगा, 6 कॉर्ड में देखिए गन आता है आपको गन के ऊपर मिल जाएगा, और अगर रॉकेट भी मिलता है तो 6 कॉर्ड पर ही मिलेगा। तो 6 कॉर्ड का ही ये सिर्फ ब्लॉक है, इसके नीचे 4 कॉर्ड वगैरह पर ना तो ये लगाते हैं और ना ही तो इन्होंने अभी तक किसी को लगा के भेजा है। बिल्कुल नहीं दिया, सारा 6 कॉर्ड पे लगाया जितना भी लगाया है, तो इसके बारे में सबको पहले से ही पता है, मैंने पूरी अपडेट दे रखी है। एक बार मैं बताना चाह रहा था, बता दिया मैंने। चलिए कोई नहीं, कॉल करते हैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से जिसको कोई कंफ्यूजन थी वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। ओके 12 कोड है, 12 कोड दिखा दिए, 12 कोड का बहुत दिन से मेरा ऑर्डर लगा हुआ था, फाइनली अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने हो गए आशु भाई, 2.5 महीने से काम चल रहा था, अब थोड़ा सा जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो आप देखिए ये 12 कोड है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, और मेरे पास इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और भी लोगों के पास आती होगी, ज़रूर आती होगी। तो क्वालिटी देखिए सबसे पहले आप, 12 कॉर्ड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही उमदा होती है, और प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इनकी जो ये 12 कॉर्ड हो गया, 9 कॉर्ड हो गया, या डबल बिल्ली जो कि C28 पे आता है 6 कॉर्ड में, ये कुछ स्पेशल क्वालिटीयां हैं, और काफ़ी सारा स्टॉक लगा है, देखिए सारा का सारा 12 कॉर्ड का ही है। देखिए डबल बिल्ली, देखिए आप ये डबल बिल्ली है इनका, ये C28 पे होता है, देखिए सबसे शानदार कलर जो रेड होता है एनआरके का, एनआरके जैसा रेड जल्दी कोई नहीं बना पाता, इनका रेड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। सिर्फ इसमें जो क्वालिटी है, जो वर्क ये करते हैं, बहुत ही एकदम डिफरेंट काम है, देखिए आपको क्वालिटी नज़र आ रही होगी, झिलमिल झिलमिल सितारे रेड के ऊपर नज़र आ रहे होंगे आपको, देखिए तो इस तरह की क्वालिटी है ये बहुत। तो ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ब्लैक कमांडो JPC और JPC कोड्स पर जो आता है वो हमारा ये वाला चरखा आता है, तो ये थोड़ा सा चरखा भी डिफरेंट है जी, और पूरी डिटेल है इसमें, देखिए जैसे कि आपको इतनी ज्यादा डिटेल याले चरखे पर नहीं है, इस पर तो सिर्फ ब्लैक कमांडो लिखा रहता है, इस पर डिटेल भी काफी ज्यादा है आपकी, तो इसमें टूर्नामेंट क्वालिटी लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए जैसे कि ये JPC जो आर्टिकल है ये, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्लॉक है आपका और आपका टॉप ब्लॉक है, काफ़ी सारे लोगों को इसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होगी। इसमें ये है कि ये हमने चैन की डोर पे तैयार किया है, चैन पर तैयार और ये हमारा 1-2-3 पे आता है, इन दोनों धागे में
क्या फर्क है ये बताइए, जैसे कि स्ट्रेंथ का क्या फर्क है? बहुत फर्क है इन दोनों ढाबों में, काफी फर्क है इन दोनों ढाबों में, इसमें उसमें काफी बहुत ज्यादा फर्क है। और इसमें हमारा जो है अपना स्पेशल हम कुछ अलग से करते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफी लाइट कलर है इसलिए उतना डीपली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं इसके कलर वगैरह बल्ब वगैरह बहुत अच्छे से खुले हैं, काफी मेहनत करवाई है। अच्छा ये बताइए ये जो 1-2-3 और ये है, इसमें क्या फर्क आ रहा है, मतलब नकद में कुछ डिफरेंस आया है कि सेम रेट पर मुझे नहीं, नहीं थोड़ा इसमें फर्क आएगा आपको, 100-200 रुपए का फर्क आएगा, ये थोड़ा महंगा जाएगा जी, जैसे कि 1-2-3 से 8400 थोड़ा महंगा जाता है जी जी, उसी तरह से थोड़ा सा महंगा जाएगा जी, मगर इसके इस डोर की इन दोनों की स्ट्रेंथ वगैरह तो सेम ही होगी ना, कि थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है इसमें दोनों में। हाँ। तो खास करके ये शौकीनों के लिए जी, खास तौर से ये शौकीनों के लिए तैयार करा जाता है और इसमें काफ़ी मेहनत भी करी जाती है। और ये जो है जिसे कहते हैं हम लच्छी, ये प्योर लच्छी हुआ हुआ होता है, हाँ ये जो है इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा बैठता है ना, तो इस वजह से हम इसको स्पेशल तैयार कराते हैं जो शौकीन हमारे मैदानों में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। मैदान में लौट सकता है जी बिल्कुल। जैसे कि अभी की क्या तैयारी चल रही है सीजन की? अभी तो देखिए शाविज भाई जो है जयपुर के और गुजरात के सीजन की काफी जो है मेहनत से और तगड़ी तरीके से तैयारी चल रही है। हमने जो है सबका ध्यान रखते हुए जो है क्वालिटी और रील वाइज अपना लिया है, हमने एक रील से 12 रील तक सब बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है तो एक रील। सबसे पहले एक चीज तो ये देखने में आ रही है कि एक रील की चरखी देखिए आप, ये सिंगल रील की चरखी है और शौकीन जब इसको हाथ में लेगा तो उसकी फीलिंग अलग ही होगी। देखिए कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अंदर से लेके बाहर तक की आप देखिए, जब इसकी चरखी वगैरह देखिए कितनी शानदार लगा के रखी दोस्तों, जबकि एक रील में कोई इतना लागत नहीं लगाता है। अगर आप एक रील की भी चरखी यूज़ करते हैं तो फीलिंग आपकी अलग ही होगी, आप प्राउड फील करेंगे ये मांझा उड़ाने से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रील, ये देखिए दो रील और ये तीन रील का चरखा, तीन रील का चरखा इतना बड़ा, कितने कॉर्ड है ये? ये 9 कॉर्ड है, 9 कॉर्ड का चरखा इतना बड़ा तीन रील में। तो ये तो बहुत ज़्यादा, 12 रील का चरखा नजर आ रहा है जी, तीन रील है। हाँ पूरा 3 रील है। ठीक है दोस्तों, इतना हैवी चरखा आपने शायद कभी देखा ही नहीं होगा और मैंने भी आज तक आपको इतनी ब्रांडें दिखाई हैं पर इतना बड़ा चरखा 3 रील का मैंने नहीं दिखाया। इससे आप समझ सकते हैं इसमें जो क्वांटिटी वगैरह होगी उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं हो सकती है। तो देखिए ये 3 रील का चरखा है, शानदार क्वालिटी होगी, कलर दिखा दीजिए जरा सा, 1 रील 2 रील 3 रील भाई के हाथ में एक रील है तो पहले ये एक रील दिखाना चाहूँगा। देखिए आमिर भाई ने ओपन किया है एक रील का और क्वालिटी वगैरह आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होगी, एक रील पे भी देखिए क्वालिटी अच्छी ही दे रहे हैं, शानदार क्वालिटी दे रहे हैं आपको। और इसके बाद ये देखिए 2 रील का चलता है और पूरी डिटेल दोनों पे ही मौजूद है, देखिए साफ तौर पे लिखा है यहाँ पर 1 रील एंड 2 रील, कोई भी धोखाधड़ी वाला कहीं पे कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने किसी को अपनी ब्रांड दे दिए उसके बाद वो भी आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें शायद इसीलिए आपने इतनी मेंशन करके रखी है कि कोई भी किसी को पता चला इन्होंने 1 रील दिया और कोई आपको 2 रील थमा दे, तो इसलिए सारी चीज़ें उन्होंने सारी डिटेल चरखे के ऊपर ही दे रखी है। तो इसकी एक बार छल्ले वगैरह क्वालिटी वगैरह दिखाइए क्योंकि देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस काफ़ी हो गया, काफ़ी ये 2 रील के हैं, ये 2 रील का जो मांझा है उसके छल्ले टाइम पर देखिए आप, ये देखिए मांझा खड़ा है, सबसे बड़ी बात ये देखिए ये ऑटोमेटिक जो मांझा गिरा है ये वो है, कोई बनावटी छल्ला नहीं है, ये देखिए मांझा देखिए टाइम पर देखिए खड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी अच्छा टेम्पर है। और जैसे कि आगे का जो मौसम होता है दोस्तों वो नमी का मौसम है, तो नमी के मौसम को नज़र में रखते हुए इसमें टेम्पर या भार की कोई कमी नहीं है। और जो भी क्वालिटी होगी जो 6 रील में होगी 9 रील में होगी वही क्वालिटी हम 2 रील 1 रील में देंगे, 1 रील में सेम क्वालिटी होती है। हमने 1 रील बनाया तो उसमें क्वालिटी चेंज हो या सुधाई चेंज हो या डोर बदल दे, हमारे पास सारी ओरिजिनल ही डोरें मिलती हैं, बहुत सी डोरें आती हैं लेकिन हम नहीं लगाते ये डोर, अब यदि ये 1 रील है हम लोग सोचते हैं कि 1 रील में कुछ और, लेकिन हमारी सारी 1 रील 2 रील 3 रील 4 रील जो भी आप लोग मतलब जो 12 रील के ऊपर क्वालिटी वही वही सब में होगी, इसमें में कोई धोखा नहीं, दोनों इक्वल है जी जी, क्वांटिटी का फर्क है, क्वांटिटी के हिसाब से रेट डिवाइड हो जाएंगे जी, है ना, जो जितना अफोर्ड कर सकता है आमिर भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 1 रील अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 रील को अफोर्ड नहीं कर पाते बात और उनका वो अपना दिल मार के रह जाते हैं, उनके लिए हमने निकाला है, उनके लिए है कि आपको 1 रील से लेकर 12 रील तक की सेम क्वालिटी मिलेगी, बट 12 रील जो है 1-2-3 में होगा, 9 कोर्ड में जो है सिर्फ 6 रील तक होगा, क्योंकि 12 रील उसमें आ ही नहीं सकता, अगर आप 12 रील जी लगाएंगे तो उसके आ ही नहीं सकता, वो बहुत भारी है, तो पहले बहुत भारी हो जाएगा, हम अगर ऑर्डर पे चरखा बनवाते भी हैं तो बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए 9 कोर्ड में सिर्फ 6 रील तक है, 12 रील अगर किसी भाई को चाहिए हो तो शाविज भाई से कॉन्टेक्ट करें, वो 12 रील में मिल जाएगा आपको। तो
वो स्पेशल डिमांड पे ही बने। हाँ, डिमांड पे बने, ऑर्डर पे बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी बताना चाहूंगा, 12 रील का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, इतना ना तो इसका यूज होता है। और दूसरी बात ये, अगर आप देख सकते हैं कि 3 रील का इतना भाव चलता है तो ये इसकी क्वांटिटी 6 रील तक कैसे आई। क्लियर करना चाहूंगा, ये ब्लैक कमांडो है, सभी जानते हैं कि ये 12 रील पे आता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 3 रील का चरखा है, मैं आपको कंपेयर करूंगा चरखा दोनों, रखिए नीचे रखिए, साइज भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये 3 रील का चरखा है और आप साइज देख सकते हैं, बराबर है, इक्वल है, इक्वल के ये तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही है। तो समझ सकते हैं आप, ये 3 रील इस पे आई है तो 12 रील कैसे आएगी। 6 रील तक तो इनके पास कुछ ना कुछ और इंतजाम होगा, 12 रील का चरखा नहीं बन सकता दोस्तों। तो ये देखिए आप। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी होगी मेरे हिसाब से, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी आप लोगों की, जो मैं समझ सकता हूँ कि इस वीडियो में क्लियर हो गई हुई, जहाँ तक कि उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो कमेंट्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। तो और आने वाले भी जो ब्लॉग है, आमिर भाई ने जैसे कि बताया, आशु भाई ने बताया, वो भी आपको अपडेट मिल गई है, बाकी जब ब्लॉग आ जाएंगे आपको वो भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कॉल करके या मैसेज के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने शौकीनों के लिए, आप कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि आप जब भी हमारा मजा लें तो हमारे ऑथराइज जो डीलर हैं, जैसे कानपुर में शावेज भाई हैं, आप इनसे लें, आप वहीं से लें, कहीं और से ना लें, बिकॉज हमारा मांझा जो है हर कोई डुप्लीकेट करता है। आप लेते हैं, आपका भी बहुत हार्ड अर्न मनी है, वो लेते हैं डुप्लीकेट लेते हैं, आपका भी फिर हमारा नाम खराब होता है, आपका शौक खराब होता है। आप जो भी लें या आप हमसे कॉल करके जो है डिटेल ले सकते हैं, हम आपको जो है डीलर का नाम और नंबर दे देंगे, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। वो मैटर नहीं करता आप कहाँ से हैं, कोई सी भी सिटी से आप हो, हम आपको नंबर देंगे, हम वहाँ के डीलर का, आप वहाँ जाके आप जो है मांझा लें। और अगर नहीं ले सकते तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी हम प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, और अगर कोई जो है अगर ऐसा है कि अपने होम डिलीवरी लेना चाहता है तो हम शावेज भाई का नंबर देंगे, शावेज भाई जो है ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। और एक छोटा सा मैसेज ये, मैं जितने भी मेरे शौकीन भाई हैं, जो भी पतंग का मांझे का जो भी शौक करते हैं, पतंगबाजी करते हैं, आप जो है चाइनीज मांझे से बचें, और आप तो बचते ही हैं, आप अपने मतलब जो है आपके आसपास जो बच्चे हैं, जो भी हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको आप मैसेज दें कि चाइनीज मांझा यूज़ ना करें, कॉटन का मांझा उड़ाएं। और हमारा जितना भी मांझा है वो 100% कॉटन है, बिल्कुल एकदम सूती धागा, चाइनीज का नाम जो है यूज़ करते हैं ना कुछ, हम एकदम उसको बॉयकॉट करते हैं। सारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया, खास करके जो ये चाइनीज मांझा उड़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो आपने बोला बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यही बोलना चाहूँगा, जो कि रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक ही वर्ड को दो बार रिपीट करना कोई मतलब नहीं बनता। तो खास करके चाइनीज मांझे से आप सब बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड किया जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।